नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका युवा किसान एमपी यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के अच्छे उठाव और अच्छे ग्रोथ और अच्छी ग्रीननेस बनी रहे इसके लिए हमें कौन से फर्टिलाइज़र और कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए जिससे कि सोयाबीन का हमारा अच्छी ग्रोथ हो। अगर आपके भी सोयाबीन किसी खरपतवार नाशक के उपयोग से छोटे रह गए हो, यानी सोयाबीन की ग्रोथ नहीं हो रही हो और सोयाबीन ठपका गए हो और सोयाबीन ख़राब होने लगे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये सोयाबीन की खेती है, यहाँ पर हमने वही फर्टिलाइज़र दवाई का उपयोग किया है जिससे यहाँ बहुत ही अच्छा शानदार ग्रोथ है इसकी और अच्छे से इसमें ग्रीननेस भी बनी हुई है और इसमें खरपतवार भी बिल्कुल नहीं है। तो किसान साथियों, सोयाबीन की अच्छी खरपतवार के लिए हमें मुख्यतः जो बातें को ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि खेत में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर पूरे खेत में खरपतवार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, खरपतवार यहाँ पर नहीं है और इसी कारण से यहाँ पर सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमें खेत में खरपतवार को ख़त्म करना होगा, खेत में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं रखना होगा, उसी के बाद में ही हमें ये सारा दवाई फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है। तो दवाई फर्टिलाइज़र के उपयोग में हमें करना क्या होगा, जब हमारे खेत में खरपतवार नाशक दवाई के स्प्रे करने के बाद में जब हमारे खेत में खरपतवार ख़त्म हो जाता है उसके बाद में हमें करना क्या रहेगा, उसके बाद में हमें 10 किलो DAP प्लस 10 किलो यूरिया, जो मैं एक पिछले वीडियो बना चुका हूँ वही जानकारी मैं वापस आपको देना चाहूँगा, 10 किलो यूरिया प्लस 10 किलो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट आपको लेना है और खेत में डाल देना है। इसी के साथ हमें फर्टिलाइज़र में यह हमारा हो चुका है, फर्टिलाइज़र के बाद में जब हमें दवाई का उपयोग करना हो, यानी कि जब हमें इसमें जब हम दवाई का उपयोग करेंगे, यानी कि जब इसमें इल्लियाँ लगने लगेगी इसके लिए हम कौन सी भी अगर दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ में हम 19-19 भी मिला सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको मिला करके आपको इसमें सोयाबीन में स्प्रे करना होगा, स्प्रे के माध्यम से भी आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इन सभी दवाई और फर्टिलाइज़र का आपको उपयोग करना होगा। अगर और भी अगर आप अधिक खर्चा करना चाहें तो आप धनुका का जो आता है धनजाइम गोल्ड, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखने को मिले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी शानदार ग्रोथ है, वो बिल्कुल ग्रीननेस बनी हुई है, इस पर कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही, ना ही कोई फंगस दिखाई दे रहा है, ना ही कोई इल्लियाँ वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है। तो किसान साथियों, ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।